नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 23,96,638 हो गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 66,999 नए मरीज बढ़े। एक दिन में मरीजों के मिलने की संख्या सबसे अधिक। इससे पहले 8 अगस्त को 65,156 नए मरीज मिले थे। एक दिन में 942 मरीजों की मौत भी हुई। बुधवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 57,759 ठीक भी हुए। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का यह आंकड़ा भी सबसे अधिक। प्रदेश में गत करीब एक महीने में चल रही जोरदार सियासी उठापटक के बाद अब कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सियासी संग्राम के बाद हो रहे इस विधानसभा सत्र में काफी हंगामेदार होने की संभावना। विधानसभा सत्र को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उम्मीदें जताई है कि लॉकडाउन के बाद में प्रदेश में आर्थिक रूप से जो स्थिति बनी उसको लेकर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। सीएम गहलोत ने बुधवार को ट्वीट में कहा कि 14 अगस्त को विधानसभा शुरू हो रही है, मुझे उम्मीद है कि इस दौरान प्रदेश में कोरोना की स्थिति, लॉकडाउन के बाद में आर्थिक रूप से जो स्थिति बनी उसे लेकर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। श्री गंगानगर की विजयनगर तहसील में वन विभाग और पुलिस की टीम ने कार्रवाई में शिकारियों को पकड़ा। वहीं रेंज विजयनगर के गांव रत्नेवाला से शिकारी लच्छूराम, दीपाराम, राजू, बलवीर संपूर्ण जाति बावरी ने एक नील गाय को गोली मारकर शिकार किया। मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी पवन बिश्नोई, वनपाल कमल बिश्नोई, सहायक वनपाल हनुमान प्रसाद, विजेंद्र मीणा, वन रक्षक राकेश बजरंग इंदुबाला में टीम ने राजू व बलवीर बावरी के घर पर दबिश देकर मांस से भरा फ्रिज व एक मांस से भरी चारपाई, कुल्हाड़ी व लकड़ी का गुटखा जब्त किया। अनूपगढ़ क्षेत्र के बाड़ा गांव में नेशनल हाईवे पर राठौर परिवार ने अपनी बेशकीमती जमीन से 2.5 बीघा जमीन और अलग से 33 फुट रास्ता अस्पताल के लिए दान में दी। लगभग 6 साल पहले ही जमीन की रजिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग को करवा दी। जमीन देने का कारण गांव के आसपास लगभग 15 से 18 गांवों के लोगों को समय पर उपचार मिले। इस पीएचसी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य लगभग 2.25 करोड़ रुपए में होने जा रहा है, जिसका टेंडर हो चुका है। इस हॉस्पिटल में लगभग 12 का स्टाफ और एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी। बगरू क्षेत्र में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले डीपी के न्यूज में संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी का सेज थानाधिकारी व ग्रामीणों की ओर से पुलिस थाना सेज में राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा बांधाकर श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। डीपी के न्यूज में पत्रकार ओम प्रकाश चौधरी ने कोरोना काल में के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में सजग रहकर कार्य किया, साथ ही सामाजिक सरोकार व जनता की समस्याओं को सरकार व अधिकारियों तक पहुंचाने का सराहनीय काम भी किया। सूरतगढ़ के शोपुरा कस्सी ग्रामीण क्षेत्र में मंगलवार बुधवार को कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। मंदिरों को रंग बिरंगी विद्युत लड़ियों से सजाया गया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोग डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में आए। अठाईस चक्के श्री ठाकुर जी मंदिर में भी कार्यक्रम हुआ। राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष भक्तजनों ने मत्था टेका तथा महामारी के खात्मे की अरदास लड्डू गोपाल से भी की। ग्रामीणों ने व्रत रखकर लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा प्रकट की व मंदिरों में दिनभर भजन कीर्तन का दौर भी चला। भंडावरा में बाबा रामचरण दास के मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर ग्रामीणों ने बाबा रामचरण दास जी के महंत तुलसीदास जी के सानिध्य में ग्रामीणों ने फूलों और गुब्बारों से मंदिर का श्रृंगार किया। इस मौके पर गांव के मनोहर लाल कुमावत हित अनेक लोग मौजूद थे। शाहबाद के बैठा में शराब के नशे में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। शाहबाद थाना क्षेत्र के बैठा गांव में आदिवासी सहरिया 5 वर्षीय बच्ची को उसी के समाज के युवक ने शराब के नशे में हवस का शिकार बना लिया। दरअसल बच्ची घर के पास ही शौचालय क्यों निकली थी। पास ही में सरकारी भवन के पास ही शराब के नशे में युवक महावीर सहरिया बच्ची को उठाकर सरकारी बिल्डिंग में ले गया और मासूम के साथ जोर जबरदस्ती भी की। आरोपी खून से लथपथ बालिका को छोड़कर फरार हो गया। भीलवाड़ा में स्वतंत्रता सेनानी सोरकिया माणिक्य लाल वर्मा की सुपुत्री व महिला आश्रम संस्थान की निवर्तमान उपाध्यक्ष सत्यवती माथुर का मंगलवार को आकस्मिक निधन हो गया।
महिला आश्रम की सचिव वंदना माथुर ने बताया कि सत्यवती माथुर के निधन से संस्था परिवार के सभी सदस्यों को गहरा आघात लगा और गुरुवार 11 बजे महिला आश्रम संस्थान प्रांगण में मूर्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी व शांति पाठ किया जाएगा। अलवर जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के चलते जिले के बांसुर में एक साथ 18 कोरोना मरीज आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बांसुर क्षेत्र के हमीरपुर व बामनवास चूला सहित कस्बे में 18 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। बांसुर बीसीएम डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि बांसुर में अब तक कुल 123 कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक कुल 63 केस एक्टिव है, वहीं 58 कोरोना मरीज सही भी हो चुके हैं। जोधपुर तहसील के बावड़ी में दिनों दिन कोरोना गांव में पैर पसार रहा है आरआर। वहीं टीम बावड़ी के डॉक्टर अनिल चौधरी की अगुवाई में बिराई के दुकानदारों तथा ग्रामीणों के गुरुवार को सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य केंद्र बिराई के डॉक्टर गोपाल दान चारण ने बताया कि बिराई ग्रामवासियों की जागरूकता से आज तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम द्वारा 75 लोगों के सैंपल लिए गए। जालौर के विराना कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विजयनगर क्रिकेट क्लब विराना और रक्तदाता रक्तदान सेवा दल संस्थान सायला के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में करीब 36 यूनिट रक्तदान हुआ। जोधपुर के मधानिया में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर घरों में मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित हुआ। जगह जगह अपने घरों में ही कृष्ण कन्हैया ने मटकी फोड़ कार्यक्रम किया। सिरोही के जवाल के ठाकुर द्वारे में कृष्ण जन्म के समय नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की हाथीगुड़ा पालकी के साथ जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया व महाआरती कर श्री फल चढ़ाकर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। श्री कृष्ण जन्म को लेकर गांवों में महिलाएं गीत गाती हुई पास के बने तालाबों में मिट्टी लाकर दिवाले में बैठकर उसी मिट्टी से श्री कृष्ण की प्रतिमाएं बनाकर देर रात मंगल गीत गाती है और दिन भर उपवास रखकर श्री कृष्ण को रिझाने के जतन करती है। प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम में एक बार फिर विराम लगने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहे। सुबह स्पेशल ट्रेन से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे गंगाणा में 11 पाक शरणार्थियों पर मौत का शोक सभा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस भी बढ़ाया। इसके बाद जिला कलेक्टर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में शहर में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। जोधपुर के ओसिया में किसानों के समर्थन में भाजपा द्वारा 23 अगस्त को ओसिया विधानसभा के संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर पूर्व विधायक भैराराम सियोल के नेतृत्व में किए जा रही जनसभाओं को एसडीएम द्वारा रोकने के मामले में तूल पकड़ लिया। बाड़मेर के केकड़ के चौहटन विधायक पद्माराम मेघवाल की अनुशंसा पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुंगार बेरी आदर्श केकड़ में स्वीकृत सिंगल फेस बोरवेल का कार्य आज पूरा हुआ। मां जगदम्बा व कन्हैराम जी महाराज की कृपा से मीठा पानी निकला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।